मारवाड़ के एक महत्वपूर्ण ठिकाने आसोप के अंदर आज मैं हूँ और यहाँ पे गढ़ के अंदर एक राज परिवार है और उसके अलावा भी गढ़ के बाहर कुछ राजपूतों के मुझे परिवार मिले जिन्हें गांव वालों ने बताया कि ये जूने जागीरदार हैं। तो ये जूना जागीरदार परिवार के कुछ सदस्य मेरे साथ हैं। तो हुक्म ये, पहले तो आप अपना नाम बताइए। नारायण सिंह। नारायण सिंह जी, नारायण सिंह जी, आपको ये जूना जागीरदार क्यों बोलते हैं, मतलब ये क्या? पहले हमारी जागीर थी, हाँ, बड़े रानी, इसलिए जूना जागीरदार कहते हैं। अब वर्तमान में वो राम सिंह थे। अच्छा, वर्तमान में आप कौन से थे? मैं राज सिंह था। मतलब यहाँ के जो प्रसिद्ध राजा हुए हैं राज सिंह जी, हाँ, आप उनकी संतानें हैं? हाँ, उनकी संतान। तो उनकी संतानें हैं, तो वो जो राज सिंह जी का जो गढ़ है, तो गद्दी तो वही है, हाँ। तो उसके बाद फिर आप में और जो गढ़ के अंदर जो वर्तमान राजा है उनमें फिर ये क्या फर्क क्या गया? ओ, फर्क तो बिल्कुल नहीं है, कुंभव तो ये किया, हाँ, पर उनका नकल का वो राम सिंह होता है। मैं राज सिंह जी का परिवार रहा, मैं राम सिंह जी का परिवार रहा, वो तो इसे बस। अच्छा, वो राज सिंह जी, हाँ, आप राज सिंह जी के परिवार, हाँ, के रह गए और वो राम सिंह जी के, वो राम सिंह जी। तो वो फिर यहाँ, मतलब राम सिंह होते यहाँ क्यों आए, किस लिए आ गए? वो तो आने जब तो वो गांव राज सिंह होता ने जाना, वो राम सिंह होता दे दियो दरबार उठो ऑर्डर होता कभी वो गांव राम सिंह होता दे दियो जावे, इनको उतार दियो जावे, तो उतर जाए तो बस कोई काम। तो मतलब ये है कि बाद में जैसे जागीरें जो जब्त हुई उसके बाद फिर ये दरबार ने राम सिंह होतों को दे दिया, हाँ, मतलब कुंपावतों के भी एक साकर राम सिंह होता है, आप, हाँ, राज सिंह जी के हो गए, हाँ, कुंपावत, हाँ भाई, हाँ, भाई सारे रक्त संबंधी हो, जागीर ठेठ हुई कुंपावता नहीं जाए, मतलब उन्हों पहली कर्मता नहीं, उन बाज में कुंपावता नहीं जाए, और माने गांव चारों में जगह गांव है 10-15 सब कुंपावता ना, जागीर माने सब बट कुंपावता नहीं जाए। तो मतलब आप अठांगा, आप अठांगा, मतलब कुल मिलाकर आप अठांगा पुराना जागीरदार है, ये वास्ता आपने आज जूना जागीरदार के है, क्योंकि मारवाड़ का मायने पुराना ने जूनो के है। आज 400 बीघा जमीन है बॉम में, कोई मान बिगोड़ी लाभ ठिकाने टेम में कोई लाटो वाटो मार नहीं लड़तो। अच्छा अच्छा, हाँ, मतलब बा जितनी भी जमीन, मतलब बा जागीर थांगन छोटी ही लेकिन थांगी स्वतंत्र ही, नहीं स्वतंत्र ही मारी बॉम ही, बॉम में कोई सो नहीं हूँ मैं, हमारा जो कुछ करना हो मैं मारो करो का जो मैं सब अनाज मार कर ही आओ, तो मतलब कोर्ट में कोई पुकारने जरूर नहीं। और जोधपुर का जगह राजा है तो वे भी थांगा जगह जूना जागीरदार आजना थांगनगढ़ किला को निरिया थे आम राजपूत गया, तो छोटा छोटा मकान आंग मान था रहो पड़े, तो वे बा को फिर भी थांगे सागे व्यवहार किया को रहे, तो जोधपुर अच्छो व्यवहार है दरबार रे माने ठेठू आप जावे, मतलब वे खून के हिसाब देखता है भाई अपना भाई है, तो वे भी कोई व्यवहार रखे? बिल्कुल बिल्कुल, दरबार मारा टाइम पधार गया 1990 में। अच्छा, आपका भी अठा आया, मतलब कौन देखी के भाई अठगढ़ कोनी तो मगढ़ में ही जाऊं, मैं मारा लड़का ने गोद दियो काकू सर है, दरबार बाप जी ने बुलाया, दरबार आया कंट्रोल 2-4 घंटा रुकिया, खाना वाणो खायो सब होले कोल्डी अट बैठी हुई महाराज जितनी होले कोल्डी लागे कुपावता नहीं, सब ने बुलाया, सब आया, सब खाना वाणो खायो, सब फंक्शन हुआ, भाषण वगैरह हुआ, सब मकान है सब आया। तो ये हैं आसोप गांव के जूने जागीरदार यानी पुराने जागीरदार। और आप सबसे बड़ी जो यहाँ पे जो मुझे मिली खास बात मिली वो ये मिली कि जोधपुर के जो महाराजा थे यानी जब ये पुराने जागीरदार थे इनके पास बेशक जमीन कम थी, जो जागीर जिनकी छोटी रह गई, इनके पास गढ़ भी नहीं था, लेकिन इनका जो जोधपुर के महाराजा है वो उसी तरह से सम्मान करते हैं जैसे किसी दूसरे जो गढ़ वाले जो बड़े ठिकानेदार हैं उनके बराबर ही इनका सम्मान करते हैं। और यहाँ पर एक बार पगड़ी रस्म के ऊपर भी जोधपुर दरबार यहाँ पे खुद हाजिर हुए थे, जिससे आप इन जूने जागीरदारों की महत्ता देख सकते हैं और ये जो राजा है उनकी भी जो भावनाएँ आप समझ सकते हैं कि वो किसी भी छोटे बड़े में कि भाई इसके पास गढ़ है, इसके पास बहुत बड़ा गढ़ है, इसके पास छोटा है या इनके पास नहीं है, वो ऐसा भेदभाव नहीं रखते, वो सिर्फ और सिर्फ अपने रक्त संबंधियों के साथ, अपने भाईपे के साथ बराबर का व्यवहार करते हैं। तो जुड़े रहे हमारे साथ, हम फिर इसी तरह की नई जानकारी लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।